अब बच्चों देखो, JEE 2024 में सेक्शन बी में 10 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें ये कहा गया था कि द आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए जाते, राइट। तो अब ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन मोशन इन ए प्लेन चैप्टर में से पूछा गया था। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टी इक्वल टू जीरो विथ अ वेलोसिटी 5 I² m/s एंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर एक्शन ऑफ द फोर्स विच प्रोड्यूस इज अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 3 I + 2 j m/s². इफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट इज 84 m, देन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम इज √α m/s, देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा दैट यू हैव टू फाइंड। नाउ सी हियर, द क्वेश्चन अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टी इक्वल टू जीरो। सो इनिशियल पोजिशन दैट इज जीरो एंड इनिशियल वेलोसिटी दिस वन वी जीरो दैट इज गिवन टू यू एंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स विच प्रोड्यूस कॉन्स्टेंट एक्सिलेशन। मतलब कि एक्सिलेशन भी आपको दिया हुआ है। वेन योर एक्सिलेशन इज कॉन्स्टेंट देन यू कैन यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन विथ कॉन्स्टेंट एक्सिलेशन। अब यहां बोला गया है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट इज 84 m, राइट। उस टाइम पे हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है। तब देखो कि वी हैव इक्वेशन आर इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सो आर इक्वल टू वी जीरो हमें दिया है 5 I² (t+)/(acceleration) दैट इज 3 I² + 2 j² t² राइट। तो यहां हम आई कैरेट और जे कैरेट वाली टर्म्स अलग कर लेते हैं। सो 5 t (i² )/(3 t²)(i). सो इफ वी टेक आई कैरेट कॉमन देन 5 t + 1/2 t²(i) + 2 t² (j). तो अब देखो ये आर दैट इज इक्वल टू xi + yj। इन दिस फॉर्म इफ वी कंसिडर देन एक्स कोऑर्डिनेट हमें मिल गया यहां पे। तो एक्स दैट इज इक्वल टू 5 t + 1/2 3 t² आई कैरेट का जो मल्टीपल है वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और हमें दिया हुआ है कि दैट एक्स कोऑर्डिनेट इज 84। तो अब हमें एक्स की वैल्यू 84 कब मिली है वो टाइम फाइंड आउट करना है पहले। तो इसमें हम टी को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन करके फिर फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल गेट टी इक्वल टू 6 सेकेंड। अब बोला है देन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम, मतलब कि ये टी इक्वल टू 6 सेकेंड पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या है। तो हम यूज करते हैं इक्वेशन, मानो वी इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी। सो वी दैट इज वी जीरो 5 I² टाइम दैट इज 6 एक्सेलरेशन दैट इज 3 I + 2 j². तो वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया 23 I² + 12 j². हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है, स्पीड दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी मीन स्पीड दैट इज √(vx² + vy² सो √23² + 12² दैट इज √673। बट हमें दिया हुआ है कि ये जो स्पीड है वो √α है, तो इसको हम √α के साथ कंपेयर करें तो मतलब हो गया कि α दैट इज 673। तो हमारा आंसर हो जाएगा 673। क्लियर बच्चों?